चलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ऑटो जोन में। दोस्तों आज आपके सामने खड़ी इनोवा क्रिस्टा 2.4G, बहुत ही शानदार लुक के साथ बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा। टोयोटा का लोगो, मैट ब्लैक फिनिश में ग्रिल। दोस्तों ये हैलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट्स, हैलोजन बल्ब के साथ ही टर्न इंडिकेटर, फॉग लैंप ऑप्शन, मैट ब्लैक फिनिश में ओवर कवर्ड। सो कैसी है साइड प्रोफाइल इनोवा क्रिस्टा की। सो इंडिया की बेस्ट सेलिंग एमयूवी में आती है इनोवा क्रिस्टा। अगर बात करें इसके अलॉय व्हील्स की तरफ चलते हैं तो दोस्तों आते इसमें आते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स, ब्रिजस्टोन के दोस्तों टायर आते हैं। दोस्तों ये टर्न इंडिकेटर ORVM में। दोस्तों ये ऑटो एडजस्टेबल ऑटो फोल्डेबल ORVM, कुछ ऐसा ओवरऑल लुक। नीचे मैट फिनिश, ऊपर पेंट। दोस्तों ये मैट ब्लैक फिनिश में ही पिलर 1, पिलर 2। बात करें दोस्तों बैक साइड लुक की तो जैसे आती है इनोवा क्रिस्टा की बैक साइड लुक, ये 2.4G की बैजिंग, ये LED टेल लैम्प, ये टोयोटा का लोगो, ये इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग, इंडिकेटर। सो ये 4 पार्किंग सेंसर्स, ये रिफ्लेक्टर, ये स्टील एग्जॉस्ट पाइप, ये रिम। तो सब 15 इंच के स्टील रिम का ऑप्शन है इसमें जो कि स्टेपनी में आता है। सो ये पेट्रोल टैंक, याद है दोस्तों ओपन करके आपको पेट्रोल टैंक इनोवा क्रिस्टा का। यहाँ से खुलेगा दोस्तों, ये दिखाते हैं आपको पेट्रोल टैंक। तो डीजल में है, यहाँ से भरेंगे फ्यूल। बात करें फ्यूल कैपेसिटी की दोस्तों बात करें कैपेसिटी की फ्यूल की तो इसमें 55 से 65 लीटर का फ्यूल टैंक है। दोस्तों ओवरऑल ऐसी आती है लुक क्रिस्टा की, आपको दिखाता हूँ फ्रंट साइड से। दोस्तों बहुत ही कंफर्ट जोन में बनी हुई है इनोवा क्रिस्टा। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, ड्राइवर साइड डोर की तरफ से। दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड डोर, प्योर मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ओवरऑल दोस्तों हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है और मैट ब्लैक फिनिश में। ओनली ये दोस्तों क्रोम के साथ आता है डोर ओपनर, और ये 4 पावर विंडो का ऑप्शन, ये ORVM के एडजस्ट करने का ऑप्शन, ये एक बॉटल होल्डर, ये स्पीकर। दोस्तों बाहर से देखने पे कुछ ऐसी दिखती है ओवरऑल लुक इनोवा क्रिस्टा के डैशबोर्ड की। दोस्तों ये मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स, दोस्तों ये पेडल्स, और दोस्तों बताऊँ इसके ट्रांसमिशन की, दोस्तों ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर आप दोस्तों इसे मैनुअल में लेंगे तो आपको आएगी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। दोस्तों ये 3-spoke पावर स्टेयरिंग। दोस्तों ओनली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता इसमें। ये इवेंट्स, ये कुछ स्पेस, ये वाइप, ये सॉरी लाइट्स के कंट्रोल, ये की ओपन करने का, जैसे ये कुछ लाइट्स के कंट्रोल, ये फ्यूल ओपन करने का, ये बॉनट ओपन करने का, ये पेडल्स, डेड पेडल, एयर बैग। चलिए दोस्तों दिखाते हैं अंदर बैठ के ओवरऑल इंटीरियर के लुक इनोवा क्रिस्टा के। दोस्तों अगर की बात करो तो कुछ ऐसी की आती है इनोवा क्रिस्टा में जो बटन दबाने पे ओपन होती है। दोस्तों ये लॉक अनलॉक ऑप्शन, ओवरऑल टोयोटा का लोगो, कुछ ऐसी आती है की। तो दोस्तों बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये दोस्तों म्यूजिक कंट्रोल, कॉलिंग के ऑप्शन, टोयोटा का लोगो, ये एयरबैग। दोस्तों ये क्रूज कंट्रोल,
लाइट के कंट्रोल, ये वाइपर के कंट्रोल। दोस्तों ये MID लगाते हैं की और दिखाते हैं आपको ओवरऑल। तो यहाँ से लगेगी की इसकी, ये इग्निशन ऑन हो गया। दोस्तों ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सपोर्ट करेगा एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यूआई कमांड, USB, ऑक्स और भी बहुत कुछ। दोस्तों ये टाइम के लिए, ये हैजार्ड लाइट्स का बटन। दोस्तों ये ओवरऑल, ये ओवरऑल डैशबोर्ड के लुक, हार्ड प्लास्टिक। स्टेयरिंग में थोड़ा सा लेदर फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। और ये मैनुअल AC, ये म्यूजिक कंट्रोल, ये AC वेंट्स, ये एक डैशबोर्ड में थोड़ा सा ग्लव बॉक्स, ये मैनुअल IRVM ऑटो डे नाइट के लिए, ये एक सन ग्लास होल्डर, ये रीडिंग लाइट्स। दोस्तों ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, इधर साइड कोई वैनिटी मिरर नहीं है। और बात करें पैसेंजर की, तो पैसेंजर में दोस्तों आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, एक ग्रैब हैंडल, ये पैसेंजर साइड डोर के लॉक। और दोस्तों ये मैनुअल ट्रांसमिशन 6-speed PRNDS ऑप्शन के साथ। दोस्तों ये पैसेंजर एयरबैग, दोस्तों में दो मोड आते हैं, एक इको मोड, एक पावर मोड। और ये दोस्तों एक 12-volt का चार्जिंग सॉकेट, कुछ स्पेस। और दोस्तों ये मैनुअल हैंड ब्रेक और एक आर्म रेस्ट, जिसे आप ओपन करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस है। ये सीट बेल्ट, दोस्तों ये फैब्रिक सीट्स अपोल्स्ट्री। चलिए दोस्तों चलते हैं आपको रियर साइड डोर के लुक, सॉरी सीट्स के लुक दिखाने के लिए। दोस्तों अगर बात करें रियर साइड सीट्स की और डोर की, तो कुछ ऐसा लुक है दोस्तों रियर साइड डोर का। ये भी दोस्तों प्योर मैट ब्लैक फिनिश में आता है। नीचे एक लाइट, कुछ बॉटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस ये होल्ड करने के लिए। दोस्तों पावर विंडो का ऑप्शन, ये क्रोम का क्रोम फिनिश में डोर ओपनर। दोस्तों कुछ दोस्तों पैसेंजर सीट्स के साथ आती है। दोस्तों ये दो कैप्टन सीट्स, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ दो कैप्टन सीट्स रियर में। और दोस्तों अगर थर्ड रो की बात करें, तो थर्ड रो में आती है नॉर्मल सीट्स और सेकंड रो में आती है पैसेंजर सीट्स। और बात करें दोस्तों इसके स्पेस और कंफर्ट की, तो इनोवा के कुछ कह ही नहीं सकते। दोस्तों इनोवा शुरू से ही कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। दोस्तों ये रियर साइड AC वेंट्स, ये फैन कंट्रोल, ये AC वेंट्स एक और। दोस्तों रियर साइड से देखने पर ऐसा दिखता है ओवरऑल डैशबोर्ड। बहुत ही शानदार लुक के साथ एक ग्रैब हैंडल, एक सेकंड में रीडिंग लैंप, एक और ग्रैब हैंडल। दोस्तों दिया गया है एक आर्म रेस्ट और ये थोड़ा सा स्पेस दो कप होल्डर के साथ। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको इस इनोवा क्रिस्टा की थर्ड रो। दोस्तों यहाँ से रिक्लाइन हो जाएगा, यहाँ से सीट नीचे जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसी है थर्ड रो की। दोस्तों दो पैसेंजर तो आराम से बैठ सकते हैं, तीसरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ स्पेस थर्ड रो में, ऐसी ओवरऑल लुक थर्ड रो की। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। करते हैं इसे ऊपर, चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको थर्ड रो और दिखाते हैं इसको आपको बूट स्पेस। दोस्तों बात करें इसके बूट स्पेस की, तो दोस्तों थर्ड रो के बाद कुछ इतना बूट स्पेस बचता है, कुछ 228 कुछ समथिंग। दोस्तों एक रीडिंग लाइट, एक हुक, सीट बेल्ट थर्ड रो के लिए। और दोस्तों ये कुछ टूल किट के लिए स्पेस। दोस्तों कुछ ऐसे दिखती है बोनट खोलकर, ओवरऑल क्रेटा, सॉरी
इनोवा क्रिस्टा के लोग। चलिए दोस्तों चलते हैं आपको लेकर इनोवा क्रिस्टा के 2.4 लीटर डीजल इंजन की तरफ। करते हैं दोस्तों बोनट ओपन और दिखाते हैं आपको इंजन। यहाँ से होगा इंजन का बोनट ओपन। आते हैं दोस्तों इंजन ओवरऑल। तो दोस्तों ये है इनोवा क्रिस्टा का 2400 cc का इनलाइन फोर सिलेंडर डीजल इंजन। दोस्तों 148 bhp की पावर जनरेट करेगा। दोस्तों 260 Nm का टॉर्क निकालेगा। दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको इनोवा क्रिस्टा। और दोस्तों आज हम खड़े हैं 36 टोयोटा फरीदाबाद में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।